आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि BJP महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हार रही है। राउत ने कहा है कि वो पोस्टल बैलेट में घोटाला करेंगे, उनकी ताकत पोस्टल बैलेट में है, हम सबको सतर्क रहना होगा। BJP हरियाणा में हार रही है, BJP जम्मू कश्मीर में हार रही है, BJP महाराष्ट्र में भी हार रही है, झारखंड में भी हारेगी। एग्जिट पोल के नतीजों में हरियाणा में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिलती दिख रही है। संजय राउत ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि महाराष्ट्र की मांझी लड़की बहन योजना बंद हो जाएगी क्योंकि योजना के लिए कोई पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल राजनीति के जरिए लाया गया है। इस योजना के कारण सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा है कि ये राजनीतिक खेल है। मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, वहाँ के जो वित्त सचिव हैं उनका आदेश देखिए, ये ऐसी योजना है जो फलदायी नहीं होगी, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मध्य प्रदेश में ये योजना चलाई और ये योजना वहाँ बंद हो गई। राउत ने आगे कहा कि हजारों करोड़ का कर्जा लेकर काम किया, ठेकेदारों से कमीशन लेकर काम किया और उनका भुगतान नहीं हो रहा। ठेकेदार मंत्रालय में आंदोलन करेंगे, माझी लड़की बहन योजना चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, पैसा कहाँ है? सरकारी कर्मचारी का पगार नहीं मिलेगा, पुलिस का वेतन नहीं होगा, टीचर का वेतन नहीं होगा, ये लाडली बहन योजना के कारण हो रहा है। संजय राउत के दावे के विपरीत महाराष्ट्र की महायुति सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा। CM एकनाथ शिंदे ने रविवार को छत्रपति संभाजी नगर में एक कार्यक्रम में विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये लोग हमारी योजना के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वहाँ इनकी याचिका खारिज हो गई। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल